ये दो दिवसीय भजन तिकड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास डीजे साउंड जनूथर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी खेड़ा हाजीपुर मई खनौली आगरा से पेड़ की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं। जिकड़ी के बहुत अच्छे कलाकार आदरणीय हमारे चाचा रामजीत सिंह जी गांव बड़ी का कठुमर से और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोड़कर सुनिएगा और दान में भग बन ले सज्जनों कथाएं सारी वही प्रसंग सारे वही
बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गाय की अलग अलग हुआ करती है। और देखिए 51 रुपए का पुरस्कार बबलू घूरिया उनकी तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। विद्वानों बात उस समय की है, एक समय काशी में राजा चेकतान राज किया करते थे। राजा चेकतान की तीन पुत्रियां हैं, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। राजा चेकतान ने अपने यहां स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में पितामह भीष्म पहुंच गए। पितामह भीष्म उस स्वयंवर को जीत करके लेकर के आते हैं। अम्बालिका की शादी, अंबिका की शादी अपने छोटे भाई चित्र विचित्र के साथ में कर दी। विद्वानों रानी अम्बा रह गई। रानी अम्बा ने पितामह भीष्म से कहा, प्रभु आप मुझसे शादी कीजिए। पितामह भीष्म ने कह दिया, देवी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। आहा विद्वानों, जब इतने वचनों को रानी अम्बा ने सुना, रानी अम्बा पहुंच गई पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास में। और देखिए परशुराम जी से जाकर के रानी अम्बा निवेदन कर रही है। और मोनू भैया क्या कह रही है सुनिए। अबले पक्ष करो नेक और नाथ हमारी त्याहारोई लिया सहारो है और ले बिना तुम्हारे ए बिना तुम्हारे श्री भृगु नंदन नाई जग में कोई हमारो है बिना तुम्हारे। और विद्वानों रानी अम्मा कह रही है, गद गद कंठ सांस नावे। शोक वाटिका में बैठी कहीं, चलो सीता जी तो यहाँ के मारे बैठी, उनको हरण है गो, तुम आप का है गो। अरे ज्यादा ना है तो कम से कम हंसते रहो, नारे हलाते रहो, हमें जो लगे कि हाँ तुम्हें आनंद आ रहा हो। हाँ भैया, अरे गद गद कंठ सांस न आवे, गद गद कंठ सांस न आवे, नैनन बहे पनारो है। ओए अरे कहीं घनश्याम, कहीं घनश्याम, कहीं घनश्याम गाम पटलोनी अम्बा वचन उचायो है, कहीं घनश्याम। और ये 51 रुपए का पुरस्कार सुक्कम लाला राम जी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना। 100 रुपए का पुरस्कार कल्लू बोलो रो उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दीपू पाखरिया जी उनकी तरफ से आया है। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और सुनिए, आप जैसे विद्वानों ने कहा है, दादाजी घमंड तो रावण को ना चलियो। घमंड किसी का नहीं चला जब कह रहे ठेका में भैया कैसे कैसे कैसे। देखिए बड़े बड़े बलवान चले गए, बड़े बड़े ज्ञानी चले गए, पर कहा बाली और बाली वीर, ए बाली और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर। और 51 रुपए का पुरस्कार विक्रम सेन जी उनकी तरफ से आया है। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा ए अरे बाली और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, वो वीर दुनिया को झक झोर के चले गए। 50 रुपए का पुरस्कार सेठ जी, तुम पैसा का दे रहे, खुले ले रहे तुम तो, लियो ज्यादा है जाए तो दे दियो ईमानदारी से। कहा बली और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर। शिवलाल जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बार बार आशीर्वाद की कामना।
बली और बाली पीर अच्छे अच्छे रणधीर वो पीर दुनिया को छक छोड़ के चले गए। शिव सिंह जी बेरखिया उनकी तरफ से एक से एक रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। बाली और बाली पीर अच्छे अच्छे रणधीर वो पीर दुनिया को छक छोड़ के चले गए। और द्रोण गुरु भीष्म, द्रोण गुरु भीष्म पिता महाशल्य करण, द्रोण गुरु भीष्म पिता महाशल्य करण वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। और कहा अभिमन्यु जैसे वीर वीर भैया, अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर, क्या अभिमन्यु जैसे वीर और जिनके करारे तीर, हाँ वो वीर चक्कर बिहू तोड़ के चले गए। चाची तुम रुपया ना लाई, कहा अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर वो वीर चक्कर बिहू तोड़ के चले गए। और कहा अरे तेरी तो जात पात पात, ए अरे तेरी तो जात पात, तेरी तो जात पात और ओ खात, कहा क्यों जब रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए, रावण से दुनिया को। रानी अम्बा ने परशुराम जी से कहा गुरुदेव आपको मेरी मदद, आपको मेरी सहायता करनी होगी। जब इतने वचनों को परशुराम जी ने सुना, परशुराम जी कह रहे कि सुन अम्बा की व्यथा, सुन सुन अम्बा की व्यथा। ऋषि ने वचन सुनाया, अरे तीन वचन दे दिए करूं तेरा मन को चाहो, तू मत कर मन में डाह, जो मैं भग को अंश करूं तेरो भीष्म के संग। नारी की इज्जत नहीं जानी इसने, नारी की इज्जत नहीं जानी, और जी चेला बने हमारो देवी यानी नारी धर्म बिगाड़ो। आहा विद्वानों, परशुराम जी ने पितामह भीष्म के पास में एक पत्र भेज दिया, और देखिए किस प्रकार से भेज रहे भैया, कहा कैसे, कहा और ले परशुराम ने, परशुराम ने भीष्म पे भैया और कोई दीनी खबर पंडित जी मोहन सिंह जी उनकी तरफ से आया है, और एक से एक रुपए का आशीर्वाद हरवीर सिंह जी सरपंच साहब उनकी तरफ से आया है। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कहा परशुराम ने भीष्म पे दीनी खबर पठा, जब कहा ए जी आए गुरु के
है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए विद्वानों, कबीर दास जी बड़ी सुंदर पंक्तियों को लिखकर के भेज रहे हैं और कह रहे हैं, ए जी संत मिलन को